गुड मॉर्निंग बच्चों, आर सी आई एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और कल तक हमने जो कहाँ तक पढ़ लिया था, तो पोषवाचक सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज हम पढ़ेंगे जो बाकी हमारे सर्वनाम बच रहे हैं, वो जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कि भाई जैसे किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में हमें निश्चित पता होता है, उसके लिए कौन से सर्वनाम उपयोग में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम की कोई भी चीज़ हो या कोई व्यक्ति हो, पास या दूर। जैसे जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ, यानी पास की या दूर की कोई भी व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित रूप से संकेत करता है या उस चीज़ का हमें निश्चित पता होता है, तो उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इनका मुख्य रूप से दो प्रयोग होते हैं। जो पास की चीज़ें होते हैं उनके लिए हम यह या ये का उपयोग करते हैं, और जो दूर की चीज़ें होते हैं उनके लिए हम वह या वे का प्रयोग करते हैं। जैसे यह पंखा है, हमें पता है, डेफिनेट हमारे पास टेबल है, ये कि यह टेबल है, वह पंखा है। बाहर अगर रोड पे कोई जा रहा है, आप देख रहे हो कि वह गाड़ी है, वह कार है, तो हमें उसके बारे में निश्चित पता होता है कि भाई हमें, हाँ हमें पता है इस चीज़ का, अब ये निश्चित ही यही चीज़ है। कि निकट की चीज़ हो या दूर की चीज़ हो, हमें उसके बारे में निश्चित ज्ञान होता है, तो वह कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये इससे बिल्कुल उल्टा होता है कि जिस सर्वनाम के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके बारे में हमें निश्चित पता नहीं होता या उसके बारे में हमें निश्चित सूचना नहीं मिलती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई कुछ, कोई बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है, इतना पता है कि बाहर दरवाजे पर कोई आया है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कौन आया है। अगर हमें यह पता होता कि कोई आया है और उसके बारे में हमें पता है कि भाई आया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिसके बारे में हमें निश्चित नहीं पता कि भाई दरवाजे पर बाहर कोई आया है, आया तो है लेकिन हमें नहीं पता कि कौन आया है। चाय में कुछ गिरा हुआ है, चाय में कुछ ही गिरा हुआ है कि इसमें के अंदर कुछ है, पर हमें यह नहीं पता कि जब हम उसे बाहर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई इसमें है क्या। तो इस प्रकार जिसके बारे में हमें निश्चित सूचना नहीं मिलती है, जिसके बारे में हमें निश्चित नहीं पता होता है, वो कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है कि दो वाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिस सर्वनाम, यानी कि पहले जो वाक्य है उसके संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य से जो शब्द उन दोनों का संबंध स्थापित करता है, उसको कौन सा वाक्य, कौन सा सर्वनाम कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। देखो यहाँ पर दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, यानी कि दो उपवाक्य दिए हुए हैं, पहले वाला जो उपवाक्य है उसके संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ जो दर्शाता है या दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसके, जिसका, उसका, आदि। यानी कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जो सोएगा वो खोएगा, यानी कि उसमें पहला है जो सोएगा, उनका संबंध बता रहा है कि जो सोएगा वो ही क्या होएगा? खोएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस प्रकार से दो उपवाक्यों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। कि भाई दो उपवाक्य हैं, उनके बीच में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं कि जैसे जो सोएगा वो खोएगा, संबंध हो गया कि भाई जो इंसान सोएगा वही खोएगा। जिसकी लाठी उसकी बहन, यानी कि जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसके पास ताकत है उसके पास ही वो चीज़ आएगी। कि हमें उसका संबंध स्थापित हो रहा है कि भाई जिसकी लाठी होगी ना उसी की क्या होगी? भैंस होगी। इस प्रकार से क्या होता है कि भाई
जो दो उपवाक्य दिए हुए होते हैं उनके बीच में अगर एक दूसरे उपवाक्य के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है किसी न किसी प्रकार, तो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब हमारा काम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, आपको साथ साथ याद भी करते रहना है और होमवर्क भी करते रहना है। हैंडराइटिंग सुंदर सुंदर होनी चाहिए, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है और इनको साथ साथ याद भी करते रहना है। अब जैसे हमारा पांचों प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हो, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा क्या पूछे जाते हो, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कौन से सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसका, कब, कहाँ, ये सारे वर्ड होते हैं जो प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं, वो सारे कौन से में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ आदि है। आप पूछ रहे हो कि आप क्या खाओगे, तो आप क्या खाओगे तो प्रश्न पूछ रहे हैं हम। ठीक है, आज कौन आया है, बाहर कौन है, कब, आप बाहर कब जाओगे या बाजार कब जाओगे, कहाँ, कि अब आप अगर कोई तैयार होकर खड़ा है, आपको अगर कोई रास्ते में कहीं जाता हुआ मिल जाता तो आप पूछ ही लेते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। कि जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इसके तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, निज। वैसे निज का अर्थ क्या होता है? स्वयं, जो भी बोल रहा है, लिख रहा है, जो भी स्वयं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि निज, निज यानी अपना, स्वयं का, खुद का, जो व्यक्ति बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, खुद के बारे में बात कर रहा है, स्वयं के बारे में बात कर रहा है, तो वो कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेख, भी बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, स्वयं के नाम, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, यानी कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता कौन होता है? भी बोलने वाला, और लेखक कौन है? लिखने वाला। कि भी बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है तो वो ऐसे सर्वनाम
या लेखक स्वयं के लिए करता है, स्वयं या अपने लिए, करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भी स्वयं अपना खुद, तो ये कौन से सर्वनाम में आते हैं? निजवाचक सर्वनाम। कि मैं, जैसे यहाँ पर एक वाक्य ले लेते हैं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, या मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या खुद करता हूँ, ऐसे जो सर्वनाम होते हैं उनमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें भी मैं आपको दो क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए। पहला आपका क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। दूसरा आपका प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पहला क्वेश्चन आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखने हैं, और दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। और जो आपको मैंने ये दिया है इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।